अभी क्या है आपको FSC, क्या है FSC यानी फायर हॉज कैबिनेट, उसके बारे में बताया जाए, क्या इसके अंदर होता है, यूज है उनको, वो कैसे काम करते हैं, क्या नाम है इनके अंदर जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं, इनका क्या नाम है और कैसे हम इनको यूज करते हैं और इनका क्या काम है, समझ में आया। तो फायर हॉज कैबिनेट में सबसे पहले हमारे लैंडिंग वाल होता है, लैंडिंग वाल क्या है इसको बोलते हैं हम, लैंडिंग वाल या हाइड्रेंट पॉइंट बोलते थे सारे इसको, हाइड्रेंट पॉइंट, और इसको बोलते थे लैंडिंग वाल। कहीं कहीं FSU में दो लैंडिंग वाल भी होते हैं, लेकिन वो होता है एरिया के ऊपर, डिपेंड होता है एरिया के ऊपर, एरिया अगर बड़ा है तो दो लैंडिंग वाल होंगे, अगर एरिया छोटा है तो एक लैंडिंग वाल से आप काम कर सकते हो, एक हाइड्रेंट पॉइंट से आप काम कर सकते हो, समझ में आया। उसके अलावा ये हमारी होती है होज रील पाइप, क्या होती है होज रील पाइप, और इसी को हम बोल देते हैं होज रील ड्रम। ये होता है बेसिकली, हम ये काम करता छोटी आग के लिए, भाई कोई छोटी आग है, फर्स्ट एड फायर है, उसमें हम होज रील पाइप या होज रील ड्रम यूज करते हैं। एक फ्लोर पर आग लग गई, हर फ्लोर पर ये फायर शाफ्ट बनी हुई है, FSC या फायर हॉज कैबिनेट हर फ्लोर पर बने हुए हैं, कहीं आग लग गई किसी फ्लोर पर तो आप आसानी से यूज करके इसे खोल के आप यूज कर सकते हो, समझ में आया। छोटी आग, एक आदमी इसको हैंडल कर सकता है, ज्यादा प्रेशर नहीं होता इसके अंदर, एक आदमी इसको आराम से आसानी से हैंडल कर सकता है, यूज कर सकता है, समझ में आया। ये हमारा नोजल होता है, सेटअप नोजल, कौन सा सेटअप नोजल, ये होज रील पाइप में सेटअप नोजल होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लंबाई कितनी होती है इसकी, 30 मीटर, 30 मीटर इसकी लंबाई होती है टोटल, यानी कि 30 मीटर एरिया चारों तरफ से, 30 मीटर तक हम इसको फ्लोर पर ले जा सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं, समझ में आया, और आसानी से ये खोल सकते हो आप, खोल के ले जा सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये हमारा हॉज पाइप हो गया, क्या है ये हॉज पाइप, इस हॉज पाइप को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, इस हाइड्रेंट पॉइंट में, जो हाइड्रेंट पॉइंट लगा है इसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये इसका कैप हो गया, ये क्या है कैप, कैप निकाल दोगे आप, हॉज पाइप कनेक्ट करना है मुझे, कनेक्ट करके आप फायर फाइटिंग कर सकते हो। ये कब करते हैं, बड़ी आग, मेजर फायर, जहां बड़ी आग है आग को हम कंट्रोल करने के लिए हम इस हॉज पाइप को कनेक्ट करेंगे इस हाइड्रेंट पॉइंट में, समझ में आया। उसके अलावा ये होता है हमारा नोजल, क्या होता है ये नोजल, शॉर्ट ब्रांच, साधारण नोजल बोलते हैं इसको, इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली है प्रेशर से पानी को आग तक पहुंचाने का काम करता है। हॉज पाइप हम हाइड्रेंट पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे और हॉज पाइप में ये नोजल कनेक्ट कर देंगे और उससे क्या फिर फायर फाइटिंग करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तीसरा होता है हमारा फायरमैन एक्स, क्या होती है फायरमैन एक्स, फायरमैन एक्स का क्या काम होता है, क्यों रखते हैं हम फायरमैन एक्स को FSC में, क्यों रखते हैं भाई, फायरमैन एक्स का काम है आग लगने पर आपके सामने कोई वायर है, केबल है, छोटी मोटी केबल वायर, उसको आप कट कर सकते हो, काट सकते हो उसे, ये जो टेस्टेड होता है कितने पे होता है, 20,000 वोल्टेज पे टेस्टेड होता है, कितने पर, 20,000 वोल्टेज तक की लाइन को आप कट कर सकते हो, लेकिन इसका हर ईयरली टेस्ट होते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट होता है, हर साल टेस्ट होना चाहिए तब आप यूज करोगे, वैसे आप नॉर्मली छोटी मोटी लाइन को, वायर को आप काट सकते हो, केबल को काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करंट नहीं लगेगा। इसका जो बैक वाला हिस्सा वो किस क्या काम आएगा, खिड़की दरवाजा, कोई बंदा फंस गया है, किसी का रूम का दरवाजा तोड़ना है, विंडो तोड़नी है, किसी को निकालना है, उस कंडीशन में हम इससे बैग वाले हिस्से से उसको यूज करेंगे, समझ में आया, फायरमैन एक्स का है, फायरमैन एक्स बोलते हैं इसको।
उसके अलावा ये हमारे प्रेशर गेज हो गए। ये क्या है? प्रेशर गेज। इस प्रेशर गेज का क्या काम है? प्रेशर गेज का क्या काम है इसका? लाइन में प्रेशर को दिखाता है। लाइन में पानी का प्रेशर कितना है, कितना केजी हम प्रेशर मेंटेन करने हैं, उसको ही शो करता दिखाता है। ये हमारी होगी कौन सी? स्प्रिंकलर लाइन। ये कौन सी होगी? इसमें दो राइजर हैं। कितने? दो राइजर है इसमें। ये हो गए स्प्रिंकल और ये हो गया हाइड्रेंट। स्प्रिंकल राइजर अलग होता है, हाइड्रेंट राइजर अलग होता है। हाइड्रेंट राइजर की क्या पहचान है? भाई कोई एफएससी खोल रहा है या फायर हॉज को कैबिनेट खोल रहा है कोई, कैसे पता करोगे जी हाइड्रेंट लाइन है, ये हाइड्रेंट राइजर है या ये स्प्रिंकल राइजर है? सीधी सी पहचान है, हॉज रील ड्रम। हॉज रील ड्रम जिस लाइन से कनेक्ट है वो हाइड्रेंट लाइन, चाहे उस पर मार्किंग है या नहीं है। वैसे तो इन पर मार्किंग होनी चाहिए, स्प्रिंकल लाइन है या हाइड्रेंट लाइन है। अगर मार्किंग नहीं है, जिस लाइन से ये हॉजरी ड्रम कनेक्ट है वो हाइड्रेंट लाइन है। ये लाइन कहाँ से आ रही है? पंप रूम से। दो लाइन आ रही है, एक हाइड्रेंट लाइन आ रही है, एक स्प्रिंकल लाइन है। और कहाँ कनेक्ट है? ऊपर ओवरहेड टैंक से कनेक्ट है, हमारे टेरिस पे कनेक्ट है। समझ में आया? तो एक हाइड्रेंट और एक स्प्रिंकल राइजर, ठीक है। ये हमारा वाल हो गया। कौन सा वाल है ये? ये कौन सा वाल है? बटरफ्लाई वाल है। बटरफ्लाई वाल तो वाल है, लेकिन एक होता है ड्रेन लाइन वाल है या सप्लाई वाल, पानी देने वाला है। भाई ये फ्लोर से कनेक्ट होते हैं, ये एफ एस सी फ्लोर से कनेक्ट, फ्लोर को एरिया को कनेक्ट कवर कर रही है। इस फ्लोर पर दो एफ एस सी है, एक उस एरिया को कवर कर रही है, एक इस एरिया को डिवाइडर। तो हम यहाँ, हमें स्प्रिंकलर फट गया मान के चलो, इस फ्लोर पर स्प्रिंकलर फट गया और हमें पानी बंद करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाल बंद करना पड़ेगा। कौन सा? ये बाल, ये सप्लाई वाल है, यानी को पानी को फ्लोर पर देने वाला वाल है। ये बाल हमें बंद करना पड़ेगा और ये खोल देना है। ये कौन सा वाल है? ड्रेन लाइन वाल। ड्रेन लाइन वाल आप खोल दोगे तो पानी ड्रेन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। फ्लोर पर जितना भी पानी होगा ना, वो वापस आके ड्रेन लाइन के थ्रू नीचे चला जाएगा, पानी फैलेगा नहीं। और इस वाल को हमें फिर बंद कर देना। पहले ये वाल बंद करना है। आपको लग रहा है जी स्प्रिंकलर फट गया है, टपक रहा है, स्प्रिंकलर आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें ये सप्लाई वाल बंद कर देना है। सप्लाई वाल बंद कर दोगे पानी आगे फ्लोर पर नहीं जाएगा, और फिर ड्रेन लाइन को खोल देना, जितना भी पानी होगा वो ड्रेन लाइन के थ्रू नीचे चला जाएगा ट्रेन लाइन। समझ में आया? ये बेसिकली हमें ध्यान में रखना है। भाई किसी फ्लोर पर किसी कहीं स्प्रिंकलर फट गया, आग लगने के कारण स्प्रिंकलर चल रहा है और उसको हम पता है आग बुझ गई, अब हमें स्प्रिंकलर लाइन बंद कर देनी है, स्प्रिंकलर हमें चेंज करना है, उस कंडीशन में ये हमें ड्रेन लाइन और सप्लाई वाल का ध्यान में रखना है, यूज करना है, ठीक है। समझ में आया? इसके अलावा होज पाइप आपको पता ही है। होज पाइप का जैसे कि मैंने बताया यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं फायर फाइटिंग के लिए, मेजर फायर फाइटिंग के लिए, या जैसे बिग फायर बड़ी आग के लिए हम इसको होज पाइप को यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें होता है? ये फ्लो स्विच। ये क्या है? फ्लो स्विच है। क्या है? फ्लो स्विच। क्या काम है इस फ्लो स्विच का? फ्लो स्विच हम क्यों लगाते हैं और कौन सी लाइन में लगाते हैं फ्लो स्विच? स्प्रिंकलर लाइन, फायर स्प्रिंकलर लाइन में ये फ्लो स्विच लगा हुआ है। इस फ्लो स्विच का क्या काम है? भाई जैसे ही स्प्रिंकलर फट गया या लाइन आपको ड्रेन कर रहे हो, स्प्रिंकलर लाइन ड्रेन कर रहे हो या स्प्रिंकलर फट गया, तो ये फ्लो स्विच का मैसेज कहाँ जाएगा? हमारे फायर अलार्म पैनल में, और हूटर बजना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा भाई ये किसका अलार्म है? फ्लो स्विच का अलार्म, यानी कि स्प्रिंकलर को फट गया है या फिर किसी ने लाइन ड्रेन की है। मतलब पानी की हलचल होती है, लाइन में पानी की हलचल हो रही है, तो ये फ्लो स्विच स्टार्ट हो जाएगा, इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देगा। फ्लो माने क्या है? बहना, बह रहा है, जो बहते हुए पानी को दिखाए वो फ्लो स्विच होता है जी, उसका इंडिकेशन बताए वो फ्लो स्विच है जी, ठीक है। समझ में आया? ये होता है फ्लो स्विच का काम, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग व्हील। क्या है? ऑपरेटिंग व्हील या लैंडिंग व्हील भी बोलते हैं।
इसको हम खोलेंगे किधर किधर साइड में खोलते हैं इसको हम, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में खोलना है, या जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं उस तरीके से हमें खोलते रहना है। इसके अंदर एक वार्सल भी होता है। क्या होता है? वार्सल। ये को क्या है? वार्सल है। कौन सा वार्सल बोलते हैं इसको? कपलिंग वार्सल, कपलिंग का वार्सल। इससे क्या होगा? इससे क्या है? वो जो कपलिंग है वो कनेक्ट होती है, पानी बहेगा नहीं साइड में, निकलेगा नहीं पानी साइड से, ढीला नहीं होगा, प्रॉपर फिक्स होगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये इसका हमें पता होना चाहिए, मेंटेनेंस होता है इसके अंदर। इसके अलावा एक वार्सल इस लैंडिंग वाल में भी होता है, गैस्केट बोल देते हैं हम उसे, उसे वार्सल भी बोल देते हैं। अगर वो कट गया ना तो ये, इससे पानी इसका रुकेगा नहीं, घुमाते रहो लेकिन पानी नहीं रुकने वाला। उस वार्सल का भी हमें ध्यान में रखना। ठीक है भाई, समझ में आया? फायर कैबिनेट, क्या बोलते हैं हमसे? फायर हॉज कैबिनेट। ये FSC है, ठीक है, कंडीशन ठीक है, इसकी मार्किंग है, सब है, लेकिन इसके पास एक की बॉक्स भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? की बॉक्स। इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपके सामने आग लग रही है तो यहाँ एक की बॉक्स होना चाहिए, और इसको खोल के यूज कर सकते हो। की बॉक्स नहीं तो क्या करेंगे हम भाई? इमरजेंसी में की बॉक्स नहीं है और तुम्हारे सामने किसी और के सामने आ गए, भाई जो की है वो फायरमैन के पास है, वो फायरमैन को आने में टाइम लग सकता है, फायरमैन वो किसी काम में बिजी है, तो आपको क्या करना है? इस गिलास को तोड़ देना है। क्या करना है? गिलास को हमें तोड़ देना है, क्योंकि हमें आग को बुझाना है, इस बिल्डिंग को बचाना है, आदमी को हमें सेफ रखना है। समझ में आया? तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है भाई, आपके साथ की बॉक्स नहीं है तो उसके ग्लास को तोड़ दो और आग को हमें कंट्रोल करना है। पता चल गया? FSC की मोटी मोटी बेसिकली यही जानकारियां हैं, FSC के अंदर क्या क्या होता है। अब FSC के अंदर होता क्या है बता दिया ना मैंने, एक बार दोबारा सुन लो। हॉज पाइप नंबर एक, हॉज पाइप नंबर दो, हाइडन पॉइंट या लैंडिंग वी लैंडिंग वाल, ठीक है, नंबर तीन नोजल, नंबर चार होज रील ड्रम, नंबर पांच होज रील, नंबर छह फ्लो स्विच, नंबर सात बटरफ्लाई वाल। किसके बटरफ्लाई वाल? पावर सप्लाई यानी कि पानी देने के वाला, और ड्रेन लाइन का बटरफ्लाई वाल, ठीक है, यही होते हैं। और उसके अलावा प्रेशर गेज, प्रेशर गेज लगे होते हैं, फायरमैन एक्स होती है, ठीक है, समझ में आया? अब आप ये भी देख सकते हो कैसे कनेक्ट करोगे हॉज पाइप को, कनेक्ट करके बताओ भाई। हॉज पाइप निकालना है हमें, उसमें कनेक्ट करना है। हॉज पाइप कैसे कनेक्ट करेंगे? रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे हॉज पाइप नहीं कनेक्ट करते भाई, हॉज पाइप ऐसे नहीं कनेक्ट करते, गलत तरीका है। लपेट इसको, हॉज पाइप को ना, इसको सामने से, सामने से ये हॉज पाइप है, इसको कनेक्ट कैसे करोगे? ये पकड़ी हमने कपलिंग, और इसके फिक्स हो गई, लगा दिया, और उसके बाद इसको हमें खोलते हुए लक्स को पकड़ना है, लक्स को खोलते हुए हमें चला जाना है, ये खोलता हुआ चला जाएगा अपने आप, जो पकड़ते रहो ये खोलता हुआ अपने आप चला जाएगा। इस तरीके से हम हॉज पाइप को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके हम इसको फायर फाइटिंग करेंगे इसके थ्रू, ठीक है, समझ में आया? दे निकाल इसको, ये क्या चीज है? ये आप देख रहे हो, ये क्या चीज है?
क्या है, क्या काम है इसका? ये क्या है? बोल देते हम लक्स, क्या बोलते हैं? लक्स, फायर की भाषा में कपलिंग लक्स या लॉक बोल देते हैं। ये इसका काम है कि इसको कपलिंग को पकड़ के रखता है, लॉक कर लेता है इसको, और लॉक कर लेगा फिर ये निकलेगा नहीं। समझ में आया? यही होती है एफएससी की डिटेल, एफएससी की ट्रेनिंग, एफएससी के अंदर क्या क्या होता है और उसका क्या काम होता है, ये हमें सभी को पता होना जरूरी है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तुम्हारे? कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है एफएससी रिलेटेड? क्या चीज है जी इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, क्या काम है इसका, पूछ सकते हो आप? ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू।